इस बार चुनाव में दो हाई प्रोफाइल सीटों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ये दो सीटें हैं गहपुर और नाजिरा। गहपुर में जहां मुकाबला रिपुन बोरा बनाम उत्पल बोरा है, तो वहीं नाजिरा में देवव्रत सैकिया का मुकाबला मयूर बुढ़ागुहाई से है। आज उत्पल बोरा के पक्ष में गहपुर में राजनाथ सिंह ने प्रचार किया, जिस पर कटाक्ष करते हुए रिपुन बोरा ने कहा कि भाजपा उनसे डर गई, इसलिए स्टार कैंपेनर लेकर आई है। असम विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जोरों पर चल रहा है चुनाव प्रचार, साथ ही जुबानी जंग भी तेज हो गई है। इस बार दो हाई प्रोफाइल सीटों पर सबकी नजरें टिकी हुई है। ये सीटें हैं गहपुर और नाजिरा। गहपुर में जहां भाजपा के उत्पल बोरा का मुकाबला कांग्रेस के रिपुन बोरा से है, तो वहीं नाजिरा में भाजपा के मयूर बुढ़ागुहाई का मुकाबला कांग्रेस के देवव्रत सैकिया से है। इस बीच गहपुर में कांग्रेस के रिपुन बोरा जोरदार प्रचार कर रहे हैं, जिस पर कटाक्ष करते हुए भाजपा उम्मीदवार उत्पल बोरा का कहना है कि रिपुन बोरा के प्रचार से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रिपुन बोरा डांगरिया निर्वाचन बहुत देरीक अवतीर्ण से गेप लिसे कैसे आसलते नए षोलो सनों निर्वाचन प्रचार करखेर प्रार्थी आल तखेते प्रचार कर तार पद जिम्मे निर्वाचन हल आम विधायक हर पीछे निर्वाचनते स्टार कैम्पेनार तखेते आल गति के मैं यू निर्वाचन में रिपुन बोरा डांगरिया विशेष प्रभाव पेल गहपुर समित कदम निर्वाचन परवेश मैं देखा पाई राइज जी विपुल सहारी एबार रिपुन बोरा डांगरिया गहपुर एबार स्थिति लोबो नोवारिबो। इधर उत्पल बोरा के पक्ष में राजनाथ सिंह प्रचार करने गहपुर पहुंचे, जिस पर रिपुन बोरा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा उनसे डर कर स्टार कैंपेनर लेकर आई है। ভাল হে মই ভাল পাইছো, তেতিয়া হলে মোক ভয় কৰিছে ভাৰতৰ গৃহ ডিফেন্স মিনিষ্টাৰে মোক ভয় কৰিছে, বিজেপিৰ নেচনেল প্ৰেছিডেণ্টে মোক ভয় কৰিছে, হিমন্তটো বাদেই আপোনাৰ তেওঁলোকে সৰ্বানন্দটো বাদেই তাৰমানে এইটো স্পষ্ট হৈ গৈছে যে তেওঁলোকে ভয় খাইছে। আৰু ভালহে খেলা হ'ব, মই অল ইণ্ডিয়া ফিগাৰ হৈছোঁ, তেতিয়াহ'লে ভালহে খেলা হ'ব, আমিও খেলা খেলি দেখুৱাম নহয়, আমিও খেলা খেলি দেখুৱাম। रिपुन बोरा के कटाक्ष पर उत्पल बोरा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनसे डर कर नहीं बल्कि अपने उम्मीदवार की शक्ति को बढ़ाने के लिए राजनाथ सिंह गहपुर पहुंचे हैं। डेफिनेटलि मोर जी शक्ति आई शक्ति दुगुण बृद्धि कर पे आज सको नेतृत्व लाग लगे जो रिपुन बोरा डांगरिया जिमानी मिसा कथा विगत पंद्रह बस कार्यकाल कले विगत पंद्रह बसिया कार्यकाल कुकर्मी प्रायश्चित्वक दी 27 तारिख निर्वाचन। इधर नाजिरा में देवव्रत सैकिया और मयूर बुढ़ागुहाई के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। मयूर बुढ़ागुहाई जहां कह रहे हैं कि इस बार नाजिरा में वंशवादी राजनीति नहीं चलेगी, उस पर देवव्रत सैकिया का कहना है कि ये सोच उनकी गलत सोच है। देवव्रत सैकिया को नाजिरा की जनता का समर्थन हासिल है। প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অহাৰ পিছতো এইটো সমষ্টিৰ যিবোৰ সমস্যা সমাধান নোহোৱাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ৰাইজে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত তেওঁলোকে ওলাইছে। এইটো কথা বংশানুক্ৰমিক বুলি কয়, কিন্তু এতিয়া মই বংশানুক্ৰমিক হ'লেও সেইটো গণতন্ত্ৰত ৰাইজে যিটো মতামত দিয়ে সেইটো তেওঁলোকে এটা ভুল কৰে যে মই কাকো ৰিগিং কৰোৱা নাই, জবৰদস্তি কৰা নাই মোক ভোট দিব বুলি। মই হয় মোৰ দেউতাক ৰাইজে ভাল পাইছিল তেওঁক ভোট দিছে, মোৰ মাক ভাল পাইছিল ভোট দিছে, মোক ভাল পাইছে ভোট দিছে। मयूर बुढ़ागुहाई का कहना है कि देवव्रत सैकिया समस्या की राजनीति करते हैं, उसका समाधान नहीं निकालते। समस्या विगत दिन राजनीति कोई से ये समस्या समाधान हो गए जानसा तो राजनीति कर कारण नाइकिया हो जाए समस्या बोलो राजनीति कैसे समाधान हो कहानी निविचे, जिसके जवाब में देवव्रत सैकिया ने कहा कि भाजपा को आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। যিসকলে এই কথা কৈছে তেওঁলোকে নিজৰ গাত এখন চিকুটি চাব লাগে। নপতা ফুকন আৰু ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰা ফুকনৰ মাজত দুটা পাৰ্থক্য থাকে। কিছুমান ইয়াতে বিজেপি দল শাসনলৈ অহাৰ পিছত নপতা ফুকনৰ সৃষ্টি হ'ল, যিখিনি প্ৰশাসনিকভাৱে সৃষ্টি কৰি দিয়া হ'ল বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ ফালৰ পৰা, আৰু তেওঁলোকে বিধায়কজনৰ যিখিনি কাম সেইখিনি কৰাত বিভিন্ন ধৰণে বাধা পদ্ধতি বিঘিনি দি আহিছিল যোৱা সময়ত। উম্মীদবাৰৰ কে বীচ জুবানী জংগ তো জাৰি হে, আব দেখনা ইয়ে হে কি জনতা জনাৰ্দন কিছ উম্মীদবাৰ কো জিত কা সেহৰা পেহনাতি হে। News Desk Report, Northeast Live.